सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो आज लगातार सुबह से एक खबर जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है कि एमपी एमएलए कोर्ट से जहां अतीक को एक तरफ दोषी करार दिया गया तो वहीं अब अतीक को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। तो लगातार ये खबर अब सुर्खियों की तरह पूरे हर जगह पर फैल चुकी है कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो 100 का आंकड़ा पार करने वाले मुकदमों में अतीक अहमद को आखिर बार सजा सुना दी गई है। तो अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन आज तक यही कहा जा रहा था कि अतीक को किसी भी मामले में सजा नहीं सुनाई गई है। तो आखिर एक बार फिर से प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले पर सजा सुनाते हुए अतीक अहमद को उम्र कैद जेल में रहने की सजा सुनाई है। तो अतीक अब जो है वो उम्र कैद की सजा उन्हें मिल चुकी है। तो अतीक समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। तो वहीं आज एमपी एमएलए कोर्ट से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ सपा से रविंद्र प्रताप सिंह जुड़े हैं इस वक्त। सर, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, आज प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो क्या लगता है कि उन्होंने जो कहा ये उस कथन पर काम होना शुरू हुआ है? सर्वप्रथम तो विधायिका और न्यायपालिका दो अलग अलग संस्थान हैं जी, और मिट्टी में मिलाएंगे करके गैर संवैधानिक शब्द है। बिल्कुल, इसका संज्ञान लेना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हुए, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं इसी शब्द को कि मिट्टी में मिला देंगे, आप सड़क पर कहिए तो देखिए क्या हंगामा होता है। और अगर आप यही इसी शब्द का न्यायालय में प्रयोग कर दीजिए, देखिए न्यायालय क्या दुर्दशा कर देती है। तो उस शब्द का समर्थन नहीं करते हैं। और ये जो निर्णय आया है ये माननीय न्यायपालिका से आया है जी। न्यायपालिका में भारतीय जनता की आस्था एक बार और मजबूत हुई है, और अतीक अहमद जैसे गुंडे को जिसको भारतीय जनता पार्टी पाल पोस रही थी, माननीय न्यायालय ने उसको सजा दिया। इसका हम स्वागत करते हैं। हमारे विधायक श्रीमती पूजा पाल महोदया को एक बार बहुत खुशी हुई होगी कि उनके पति के हत्यारे की सजा हो गई। थोड़ी बहुत राहत जो है उमेश पाल जी के परिवार को भी मिली हुई होगी। और अभी इस पे निर्णय आना, तमाम 100 मुकदमे कह रही हैं, लेकिन अभी श्री पूजा पाल जी के हस्बैंड के मर्डर का निर्णय आना बाकी है। मुझे लगता है ऐसा ही निर्णय आएगा। हम न्यायपालिका की स्वागत करते हैं, और योगी जी के जो शब्द उन्होंने उच्चारित किया उसकी भर्त्सना करते हैं। सर, अभी आपने जिक्र किया कि भाजपा जो है वो अपराधियों को पालती पोसती है, लेकिन अतीक अहमद को विधायक और सांसद का टिकट आप ही की पार्टी ने दिया था, तो फिर ये कहा जाए कि आपने भी गुंडों को पाला पोसा है? हमने 2018 में निकाल दिया था। अगर ऐसा कहना है तो एक मैं फिगर आपको दे रहा हूं कि 255 विधायक जीते हुए हैं, उसमें से 111 क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, दोनों तीनों लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्रिमिनल बैकग्राउंड पे सर, किस तरीके का क्रिमिनल बैकग्राउंड है जरा फिर आप ये भी बताइए हमारे जनता को। 25 इसे 111 में से इसे 111 में से 25 लोगों के ऊपर 7 साल से ऊपर से लेके उम्र कैद और फांसी तक की सजा के प्रावधान वाले अपराध दर्ज हैं। बिल्कुल। चलिए सर, जैसा कि आपने मुझसे डेटा मांगा, लेकिन एक डेटा मैं आपको भी देती हूँ कि जब साल 2001 से 2004 में आपकी सरकार थी यूपी में, तब अतीक अहमद पर डकैती के दौरान हत्या, SC ST एक्ट वसूली, गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उन पर आज तक कोई भी केस नहीं बन पाया। तो साल 2001 से लेकर 2004 तक तो आप थे यूपी में। ये जब मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो माननीय न्यायालय का परव्यू हो जाता है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते सर। लेकिन आपकी तरफ से एक अपराधी को टिकट तो दी गई ना, जब उनका चर्चित गेस्ट हाउस कांड में नाम सामने आया, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी ने तो टिकट दी थी अतीक को। हमने आपको बताया कि
उत्तर प्रदेश के अभी मंत्रिमंडल में, वर्तमान मंत्रिमंडल में 3 सजा याफ्ता लोग हैं, उसमें से एक अतीक अहमद, उसमें से एक अतीक अहमद का गुर्गा भी है। अच्छा हाँ सर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जरा आप खुल करके उनका नाम भी फिर हमारे जनता को बता दीजिए। नंदी जी हैं, उनको 1 साल की सजा हुई है, मतलब न्यायालय से वो सजा याफ्ता है, अब वो अतीक अहमद के गुर्गे रह चुके हैं। अच्छा अच्छा सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है कि भाजपा में गुंडे पलते हैं, तो आपकी सरकार में भी, आपकी सरकार में भी फिर गुंडे पलते हैं? क्योंकि अतीक पर केस तो आपकी सरकार में भी हुए, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया, आपने कहा कि आपके पार्टी में गुंडे पलते हैं। सर अभी आपने भाजपा का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा जो है वो अपराधियों और गुंडों को पालती है, ये अभी आप ही के शब्द थे। अब जब मैं दोहरा रही हूँ तो ये शब्द आपको बुरे लगने लगे। आप कैसे जानने मुझे बुरा लग रहा है? मैं तो आपको सर, क्योंकि अभी आपने तो अपने जो आपका स्टेटमेंट था वही आपने मेरे ऊपर दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आपने एक गुंडे को टिकट दिया था, तो मैंने कहा अगर अपराधी के चरित्र की बात कर रही हैं, तो इतने लोग अपराधी चरित्र वाले भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। हम किसी को टिकट दें, वो जाके अपराध कर बैठे, तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार हो जाएगी क्या? बिल्कुल। तो सर इस मुद्दे पर हमारे साथ रजनी तिवारी राज्य मंत्री भी जुड़ चुकी है, तो पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आज जिस तरीके से एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्या लगता है इस फैसले से जनता का भरोसा कितना बढ़ेगा? जी रजनी जी, इस तरह का जो भी अपराधी तत्व हैं, उनको पता है कि अगर हम कुछ करते हैं तो सजा मिलेगी, और सजा मिलनी चाहिए। जो अपराधी पिछली सरकारों में सह मिल गई थी, वो घूम रहे थे निडर होकर के, उनके ऊपर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था जिससे भय हो, जनता में आक्रोश था लोगों को इनके प्रति, आज उनको सजा सुनाई गई है अपहरण के मामले में। और हमें तो लग रहा है कि सारी जनता बहुत खुश हो रही है इस निर्णय से। बिल्कुल रजनी जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार में अपराधी और माफियाओं को शरण दी जाती है, और उन्होंने नंद गोपाल गुप्ता नंदी का भी जिक्र किया है। वो शायद अपनी सरकार याद कर रहे होंगे, और सरकार कोई भी हो, अपराधियों को एक एहसास होना चाहिए अगर हम अपराध करते हैं तो हम छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पिछली सरकारों ने तो अपराधियों को पालने का काम किया और उनको सह देते रहे, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इन लोगों से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। आज महिलाएं हों चाहे युवा हों चाहे किसान हों, हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से योगी जी की सरकार में मजबूती के साथ हम जो भी कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अपराधियों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। तो रविंद्र जी, रजनी जी ने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, और यही वजह है कि ऐसा फैसला आ रहा है न्याय प्रणाली की तरफ से। चलिए सुन लीजिए कैसे अपराधियों की जगह नहीं है। जी बताइए। एक अपराधी है चिन्मयानंद, उतना बड़ा अपराध पृथ्वी पे नहीं हो सकता है। एक बार उसने अपनी शिष्या का बलात्कार किया, एक बार अपनी छात्रा का बलात्कार किया, उसके मुकदमे को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया, उसको सीजीएम शाहजहांपुर एग्री नहीं की, फिर उसके बाद वो फरार घूमता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसको फरार घोषित किया गया, तब भी पुलिस नहीं पकड़ पाई, अंत में जाके उसने जमानत लिया सुप्रीम कोर्ट से, बिना सरेंडर किए, बिना गिरफ्तार हुए। तो इस प्रकार से संरक्षण दिया जाता है अपराधियों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अगर और भी उदाहरण चाहती हूँ तो और भी दे बताइए सर, दीजिए। हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, इनके ऊपर 120 का मुकदमा दर्ज है लखीमपुर कांड में, लेकिन आज तक पुलिस इनसे इंट्रोगेशन भी नहीं करने गई, जबकि आपको बता दें 120B के ही मुकदमे में अमरमणि तिवारी और उनकी श्रीमती जी उम्र कैद की सजा भुगत रही हैं। आप अगर कहिएगा तो मैं 10-20 उदाहरण दे दूंगा आपको। एक मैंने नंद गोपाल नंदी को ही दिया जी। एक साल की सजा हुई है उसको SC ST एक्ट में, लेकिन अभी भी वो मंत्री है। रजनी जी, सीधा कहा जा रहा है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी को SC ST एक्ट में सजा मिली है और उनको 1 साल की सजा सुनाई गई है। तो रजनी जी से हम लगातार संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको पहले ये बड़ी और अहम खबर बता दें कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।
तो रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपने बताया कि जिस तरीके से भाजपा में जो है वो लगातार कई मंत्रियों पर केस दर्ज है, लगातार कई मंत्रियों को सजा सुनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद वो जेल से बाहर है। लेकिन फिर एक बार मैं इतिहास में आपको लेके चलती हूँ कि अतीक अहमद पर 2001 से 2004 में कई मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन या तो उसने गवाहों को डरा धमका दिया और या तो पुलिस आगे अपनी रिपोर्ट ही नहीं पेश कर पाई, जिस वजह से वो हर बार बचता चला गया। जिस प्रकार का अपराधी था उस दुर्गति को प्राप्त हो गया है, अभी उसको और दुर्गति को प्राप्त होना है। हमारे ही विधायिका के पति महोदय की हत्या उसने किया था, अभी और दुर्गति को प्राप्त होना है। और अब ये समझ लीजिए, लेकिन आप ही के अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक हृदय दिल देखने को मिला था अतीक के प्रति, अभी कुछ ही दिन, अभी महज दो ही दिन पहले की बात है जब उनको लाया जा रहा था। पहली बात तो लाने के प्रक्रिया पे आपको बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी तो मृत शरीर पर भी इवेंट कर लेती है। एक अपराधी जो ट्रांजिट रिमांड पे था, उसका 24 घंटा लाइव प्रसारण किया गया, इस अश्योरेंस के बावजूद कि केवल चार अधिकारी उसका रास्ता जानेंगे और सारे सारी चीजें गुप्त रखी जाएंगी, तो ये लाइव प्रसारण करके भारतीय जनता पार्टी ने अतीक को एक चुनावी मुद्दा बनाया। दूसरा विषय बताता हूँ, इसके उसके साथ में 45 सिपाही आए, 6 वाहन चले और 1500 किलोमीटर का सफर तय किया गया, केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए। नहीं तो इसके इससे एक चौथाई पैसा खर्च करके उसको हवाई जहाज से लाया जा सकता था, ज्यादा सुरक्षित तरीका था, जहां पर सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था। तो खाली भारतीय जनता पार्टी को इसको चुनावी मुद्दा बनाना था, इसलिए उसको सड़क के रास्ते 1500 किलोमीटर लाया गया। जी सर, अगर तो ये देखा जाए तो फिर चुनावी मुद्दा बनाने का मौका भी तो आप ही ने दिया। अगर आपकी सरकार में अतीक पर कार्रवाई हो जाती तो ये चुनावी मुद्दा कभी बनता ही नहीं। हमारी सरकार न्यायालय है क्या सर? लेकिन वो आप ही के पार्टी से तो विधायक बने थे, आप ही के पार्टी से तो सांसद बने थे, आप ही के पार्टी ने तो टिकट दिया था उनको। मैंने ये बात मत कही, मैं कह रहा हूँ मेरा बेटा अगर अपराध कर बैठेगा तो क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा? बिल्कुल। आपके टीवी चैनल का कोई व्यक्ति अपराध कर बैठेगा तो क्या आपके मालिक अपराध हो जाएंगे? लेकिन सर, अगर हमें पता चलेगा कि वो अपराध कर रहा है तो हम पहले ही उसको अपने संस्थान से बाहर कर देंगे, क्योंकि सर हमारे संस्थान में अपराधियों के लिए जगह नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी में या तो फिर अपराधियों के लिए जगह है जो आपने उसको पनाह दे रखी थी। पहले अपना दल वालों से पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से। सर हम उनसे भी पूछेंगे, लेकिन हमारा सवाल पहले आपसे। आप उनसे पूछिएगा, और हमने इसीलिए निकाल बाहर किया था, माननीय अखिलेश जी ने उनको भी निकाला था, मुख्तार को भी निकाला था, एक वेस्टर्न यूपी के बड़े अपराधी यादव थे उनको भी निकाला था। माननीय अखिलेश जी के कमाल संभालते ही सब अपराधियों को निकाल बाहर कर दिया गया, जिनका अपराध जो चुनाव जीत के अपराध में जरा भी संलिप्त थे उनको निकाल के बाहर कर दिया गया, मुकदमा वापस नहीं लिया गया, उसको संरक्षण नहीं दिया गया कि जाके जमानत ले लीजिए चिन्मयानंद की तरह। बिल्कुल सर, 1979 वो साल था जब अतीक अहमद पहली बार उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, यहीं से उसने अपने अपराध की शुरुआत की। तो 1979 के बाद जब सपा ने टिकट दिया तब ये तो तय हो चुका था ना कि चांद बाबा की हत्या में उसका हाथ है, बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड में उसका हाथ है, उसके बावजूद भी टिकट देना कहां तक जायज था? अब आप ये बताइए कि जब मंत्री जी जो हैं, हमारे गिरिराज मंत्री जी हैं, उनके ऊपर आज से 25 साल पहले 302 का मुकदमा है, कैसे गिरिराज मंत्री बना दिया केंद्रीय सरकार का, पूछेंगे उनसे? तो वही राकेश त्रिपाठी जी आप भाजपा से लगातार पूछ रहे थे ना कि हम उनसे सवाल पूछे, तो भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये सपा के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप जी ने ये कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी तो अपराधी है। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को नहीं कहा है, मैं गृह राज्य मंत्री जी को कह रहा हूँ। जी आपने गलत कहा है, पहले इसको करेक्ट करिए। चलिए ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगी। गृह राज्य मंत्री पर इन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि ये भी अपराधी हैं। जी राकेश जी,
नहीं, ऐसे लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जिनको अतीक अहमद में अपना एक बड़ा वोट बैंक दिखाई पड़ता था, अतीक अहमद को लंबे समय तक पाल पोस करके बड़ा किया और आज अब अतीक अहमद को सजा हुई है तो इन्हें लगता है कि इनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है और इसी वजह से इस बदहवासी में तमाम उल जुलूल बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। अतीक अहमद को पिछले 41 वर्षों में अगर पहले ये सजाएं हुई होती तो शायद ये दुर्दांत अपराधी इस प्रकार का माफिया डॉन न बना होता, इतने लोगों की जान न गई होती, इतने लोगों की जमीनों पर कब्जा न हुआ होता, कानून इस तरह से बार बार तार तार न हुआ होता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार जो क्वेश्चन पूछा गया राकेश जी उस पे उत्तर दीजिए कि 25 साल पहले गिरिराज मंत्री में मुकदमा दर्ज हुआ था कि नहीं, ये भाषण मत दीजिए यहाँ पे, भाषण मत दीजिए, उत्तर पूछा गया उसके उत्तर दीजिए। और ये अतीक अहमद के खौफ के अंत की शुरुआत है, एक ये पहला निर्णय है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको तमाम मामलों में अतीक अहमद के खिलाफ कठोर निर्णय होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी जब रविंद्र जी ने ये भी कहा है कि जो भाजपा है उसमें भी काफी अपराधी है जो नेता बने बैठे हैं, इस वक्त जो मंत्री बने बैठे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि 25 साल पहले गृह राज्य मंत्री पर भी केस दर्ज हुआ था। अपराधी किसी जाति का, किसी मत का, किसी मजहब का, किसी पार्टी का, किसी दल का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में हमने जीरो टॉलरेंस का पालन किया है। किसी भी मत मजहब का हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी पार्टी से उसका जुड़ाव हो, उसने किस प्रकार का अपराध किया है इसके आधार पर योगी सरकार ने निर्णय किए हैं और योगी सरकार में अपराधियों के साथ पूरी कठोरता से कार्रवाई हो रही है, किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा रही। रविंद्र जी जवाब दीजिए कि योगी सरकार में कठोरता से कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहली बात तो है राकेश त्रिपाठी जी वही भाषण दे रहे हैं जो तो भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि गृहराज मंत्री जी पर 25 साल पहले 302 का मुकदमा था तो उनको गृहराज मंत्री कैसे बना दिया गया, पहला विषय। दूसरा विषय ये कह रहे हैं कि हम अपराधीकरण को रोकेंगे तो 3 सजा याफ्ता मंत्री मंत्रिमंडल में कैसे हैं ये बता देना, ये भाषण मत दे, खाली खाली तर्कों पे बात करें। इन लोगों को झूठ बोलने का सिखाया गया है, चरित्र हनन करने का सिखाया गया है और बता रहे हैं मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुझे लगता है पूरे भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेके नीचे तक मानसिक संतुलन। राकेश त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। भाग जाएंगे, वो भागेंगे, संसद ही नहीं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से एक बार हम आपको फिर रूबरू करा दें, जहां अतीक अहमद के समेत 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2006 के उमेश पाल के अपहरण के मामले में उनको ये सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा दें कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में MP MLA कोर्ट प्रयागराज के MP MLA कोर्ट द्वारा अतीक को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो पहली बार अतीक अहमद को एक झटका लगा है, क्योंकि पहली बार अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर, आज प्रयागराज MP MLA कोर्ट द्वारा एक बेहद ही बड़ा फैसला आया कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये वही अतीक अहमद है जिनपे 100 से ज्यादा मुकदमे तो दर्ज थे, लेकिन आज पहली बार इनको सजा सुनाई गई है। देखिये, उत्तर प्रदेश सरकार का जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति जो नीति है और योगी जी का पूरा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जो सपना है वो अब कार्य रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपराधियों में डर पैदा हुआ है और आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा जनता आक्रोश में खड़ी थी अतीक अहमद के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, वो एक जनता में जागरूकता का भाव पैदा कर रही थी। निश्चित रूप में अपराधी 17 साल तक कैसे घूमता रहा ये भी एक आश्चर्य पैदा करता है यहाँ की व्यवस्थाओं पर। सरकारों में विभिन्न प्रकार की सरकारें रही और उन सरकारों में ये सब माननीय का दर्जा प्राप्त करके जनप्रतिनिधि का चोला ओढ़े हुए थे और एक विशेष प्रकार का संरक्षण प्राप्त कर चुके थे। पहली बार ये हुआ है कि अपराधियों के प्रति पुलिस ने जिस प्रकार की कार्रवाई की है जनता में भी और जो गवाह है पैरोकार है उनमें भी विश्वास जगा है और मैं समझता हूँ कि इनके इन प्रकार अभी और बड़ा फैसला बाकी है जो हत्या का है राजू पाल जी का और उमेश पाल का,
तो निश्चित रूप में उसमें और बड़ी भी सजा उनको मिलेगी, ऐसा जनता का विश्वास है। बिल्कुल दिनेश जी, अगर देखा जाए तो अतीक अहमद का जो अपराधों का रिकॉर्ड है वो काफी लंबा चौड़ा है और सपा की तरफ से वो विधायक और सांसद भी रहे हैं, लेकिन अब जो सपा का ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाजपा में भी कई ऐसे मंत्री हैं, कई नेता हैं जो अपराधी तो घोषित है लेकिन उन्हें माननीय और मंत्री का दर्जा दिया गया है। अपराध करते हुए एक भी घटना कोई दिखा दी जाए उत्तर प्रदेश में और ये हो कि योगी जी ने कार्रवाई नहीं की तो उसको माना जा सकता है जी। आज योगी जी की सरकार में सभी बराबर के लोग हैं और आपने देखा होगा कि चाहे वो कई जगह ऐसा रहा कि बीजेपी के भी अगर कोई रहा है तो शासन सत्ता ने उसके साथ मुरव्वत नहीं बरती है जी। यही निष्पक्षता का भाव अगर दूसरी सरकारों में रहा होता कि चाहे जिस दल के हो अपराधी अगर है तो कार्रवाई होगी तो शायद ये 70 साल तक अपराधी घूम ना पाता। आज इसी कारण से गवाह भी आज पैरोकारी करने में अपने को एक तरीके का संरक्षित मान रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई में भी एडीजी रैंक का व्यक्ति जो आईजी अभी एडीजी अभी अभी योजना है वो स्वयं सारे केसेस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसीलिए आज गुजरात से लाकर इनको गवाही में पेश करने का काम करने में सरकार सफल बनी है। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ है इसमें कहीं ना कहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और सपा की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये यूपी सरकार का एक बेहद ही बड़ा फेल्योर है जो उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। आपने आरोप की बात करी, उस वाले उसके शब्द की बात नहीं करी जिसमें समाजवादी पार्टी ने उनके परिवार को भय दिखाया है कि उनको उनके साथ में कहीं कोई घटना घट सकती है। अपराधी के परिवार के संरक्षण की बात जहां पर करी है, उनके उनके बचाव के पक्ष में जो बयान दिया है, मैं समझता हूं किसी राजनीतिक दल में पहली बार देखा गया है कि लोग जो पिछड़ों की बात करते हैं, दो दो पिछड़े मारे गए हैं, दो दो बैकवर्ड क्षेत्र के वो मारे गए हैं, लेकिन विपक्ष अपराधी के साथ में खड़ा अगर दिखाई पड़ेगा तो आप इसको क्या समझ सकते हो कि वोटों की राजनीति के कारण ये 101 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी वो निर्द्वंद भाव में माननीय का दर्जा प्राप्त करते हुए घूमता रहा। तो ये पिछली सरकार इसके लिए दोषी है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम योगी जी की सरकार में हुआ है कि इन अपराधियों में पहली बार भय झलकता दिखाई पड़ा। जिनके नाम से भय आता था आज वो एक साधारण कांस्टेबल के होमगार्ड के डंडे के देखते ही वो भय से कांपने लगते हैं माफिया, ये अंतर इनको शायद दिखाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से साफ तौर पर भाजपा के जो नेता है, जो मंत्री है, उनका कहना है कि योगी है तो मुमकिन, और इसी वजह से अब जो अपराधी है, जो दंगाई है, जो माफिया है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। तो रविंद्र प्रताप जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।